एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें इंटक के राज्य अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह जी और पूरन जी, सीटू की ओर से विजेंद्र मेहरा, जगत राम जी, डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर और इंटक की ओर से अनूप प्राशा जी, ये मीटिंग में शामिल हुई। ये मीटिंग जो है विशेष तौर पर जो 16 फरवरी को औद्योगिक हड़ताल हो रही है और फेडरेशन की हड़ताल हो रही है भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ, उस उपलक्ष्य में रखी गई थी। आज हमने निर्णय लिया कि 11 फरवरी को बद्दी में एक औद्योगिक मजदूरों का संयुक्त कन्वेंशन किया जाएगा जिसमें सैकड़ों मजदूर भाग लेंगे और ये कन्वेंशन जो है 16 फरवरी के हड़ताल की तैयारी के सिलसिले में ही किया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के वर्कर्स भी हड़ताल में शामिल होगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स हड़ताल में शामिल होगा, रेडी फड़ी का वर्कर्स शामिल होगा और जितना हमारा ये हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जहां मजदूर काम करता है, ये लोग भी सारे इसमें शामिल होंगे। हम हिमाचल प्रदेश के तमाम मजदूरों से आह्वान करते हैं कि भारत सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और देश में जो उन्माद पैदा कर रही है सरकार, आम जनता विरोधी ये सरकार है, इसके खिलाफ जो है 16 फरवरी की हड़ताल को सफल बनाए और इस सरकार को सत्ता से हटाने का काम जो है देश का मजदूर करे, ताकि ये जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं उनको ये लागू ना कर सके। आज जैसा कि डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर जी ने कहा, आने वाले 16 फरवरी को देशव्यापी जितने भी हमारे औद्योगिक इकाइयां हैं, औद्योगिक यूनियंस हैं, वहां मजदूर यूनियंस हैं, एक देशव्यापी हड़ताल की कॉल जो है हमारी सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से आई है और हिमाचल प्रदेश में भी हम हिमाचल प्रदेश में जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं और जहां भी हमारे संयुक्त यूनियंस का हमारा जो जहां हम लोग तय कर रहे हैं 11 तारीख को बद्दी के भुड में बैठ के जो है इसकी रूपरेखा बनाएंगे और इस हड़ताल को हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक मजदूर यूनियन जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में है, चाहे वो इंटक की है, सीटू की है, इटेक की है, सभी को साथ लेंगे। इसके साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन की लोग और टैक्सी यूनियन के लोग, उन्हें भी जो है हड़ताल में शामिल होने के लिए जो है हम लोग हड़ताल जो है आग्रह करेंगे और इस हड़ताल को देशव्यापी हड़ताल जो होने जा रही है, जो आज मोदी सरकार के खिलाफ, इस मजदूर विरोधी किसान विरोधी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन 16 तारीख को होने जा रहा है, उस पर हिमाचल प्रदेश के भी औद्योगिक इकाइयों की मजदूर यूनियन जो है वो शामिल होंगी, ट्रांसपोर्ट की यूनियन जो है इसमें शामिल होंगी और इस मजदूर और किसान विरोधी सरकार को जो है आईना दिखाने का काम करेंगे। ये जो 44 लेबर लॉज हमारे उस समय की पूर्व की सरकारों ने बनाए, उन्हें जो है लेबर कोड में तब्दील किया गया 4 लेबर कोड में, उसका हम लोग जो है उसकी कड़ी निंदा करते हैं, उसके विरोध में ये बहुत बड़ा आंदोलन जो है देश भर में हो रहा है, जिसको हिमाचल प्रदेश में भी हम सभी लोग इकट्ठे होकर कामयाब करेंगे और आने वाली 11 तारीख को इसकी रूपरेखा जो है जिला सोलन के बद्दी में बोर्ड बैरियर के पास जो है वहाँ एक कन्वेंशन के तौर पर जो है अपने जितने भी औद्योगिक यूनियंस हैं हमारी मजदूरों की, उनको सबको वहां पे उनको निमंत्रण करेंगे और सभी को इन कन्वेंशन में सभी लोग पार्टिसिपेट करें और सभी लोग जो है आने वाली 16 तारीख की हड़ताल को कामयाब करने के लिए अपना योगदान जो है वो दें। धन्यवाद।